आदि पुरुष में प्रभास की इतनी बेइज्जती होने के बाद फाइनली प्रभास एक और मूवी ला रहे हैं और अभी लोगों को ये भी पता चल चुका है कि प्रभास का प्रोजेक्ट के है क्या। अब आखिर नहीं पता है तो प्रभास की प्रोजेक्ट की का एक ग्लिम्प्स रिलीज हुआ जिसका नाम है कल्कि 2898। और जैसा कि हमें पता है कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जो कलयुग के अंत में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु का यह अवतार जन्म लेगा, यानी कल्कि भगवान जन्म लेंगे। क्या है इस फिल्म में और इस ग्लिम्प्स को देखकर लोगों को इस फिल्म से और भी ज्यादा उम्मीदें क्यों हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस 1 मिनट और 16 सेकंड के ग्लिम्प्स में कौन कौन सी हिडन डिटेल्स है। देखिए, ग्लिम्प्स में हम एक बाबा के हेड पर एक अटैक को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि गोली लगी हुई है, पर ये गोली का साइन नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा था कि इनके पास कोई बंदूक नहीं है लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी का एक वेपन है कोई, और ये अटैक उसी वेपन से किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है और दो बच्चे डरे हुए हैं और मुझे लगता है कि इनमें से एक दीपिका पादुकोण है और दूसरा प्रभास, जिनके बचपन में एक भयंकर अटैक हुआ होगा। और इसके अगले सीन में हम कुछ लड़कियों को नोटिस कर सकते हैं जो कि किडनैप हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लड़कियों के पीछे तुम रेड लाइट नोटिस कर सकते हो जो इस फिल्म में एविल साइड को रेफरेंस कर रही हूँ, यानी इस फिल्म के विलन को। और इस फ्रेम में तुम कुछ लड़कियों को नोटिस कर सकते हो जो कि अब बड़ी हो चुकी है। शायद ये वही लड़कियां हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। और इन लड़कियों में हम दीपिका पादुकोण को भी देख सकते हैं। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्ची को पानी पिलाया जा रहा होता है लेकिन उस घड़े में पानी नहीं होता है, जो कि इस बात का रेफरेंस है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। और जैसा हमें पता है कलयुग के एंड में कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं बचेगा, जैसे कि पानी, पेड़ या कुछ भी। तो ये उसी का रेफरेंस है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जहां पर इंसानों को पानी तक नसीब नहीं होगा। उसके बाद इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि जब रोबोट यहां पर आता है तो जस्ट इस रोबोट के सामने तुम शिवलिंग को नोटिस कर सकते हो, जो कि हमें क्लियर रेफरेंस दे रहा है कि यह फिल्म हिंदू मिथोलॉजी पर आधारित है। और इसके बाद तुम इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को नोटिस कर सकते हो जो कि इस फिल्म में अश्वत्थामा बने हुए हैं। और मैं इसे अश्वत्थामा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम्हें महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो तुम ये जानते ही होंगे कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे जिनके माथे पर हमेशा एक मणि रहती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को निकाल कर अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक जिंदा रहोगे इस मणि के घाव के साथ। इसके बाद अश्वत्थामा कलयुग में कहीं छिप गए थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो इस सीन में अश्वत्थामा छिपे हुए हैं और शायद ये रोबोट अश्वत्थामा को ढूंढ रहा है। बाकी ये अश्वत्थामा ही है। ये तुम इनके सिर पर इस चीज से नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर लाल लाल हुआ पड़ा है, जो सीधा सीधा रेफरेंस है कि जो मणि भगवान श्री कृष्ण ने निकाल ली थी ये उसी का घाव है। इसके अगले फ्रेम में तुम हाथ में एक मूर्ति को नोटिस कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये मूर्ति किसकी है तो ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की मूर्ति है जो कि कलयुग में पैदा होंगे। और इसके अगले सीन में तुम एक हाथ गिरता नोटिस कर सकते हो जो कि एक मूर्ति का है, वही मूर्ति जो इसके साइड में खड़ी हुई है। इसके बाद तुम कुछ लोगों को नोटिस कर सकते हो जिनके हाथों में ब्लू कलर की एक शील्ड है और इस फिल्म में ब्लू कलर अच्छाई को रेफरेंस कर रहा है। और जस्ट इसके बाद हमें एक बैटल दिखाया जाता है जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि एक तरफ से रेड अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ से ब्लू अटैक, यानी गुड वर्सेस एविल। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रभास अपने हाथ से कुछ मशीन जैसा चला रहा होता है। तो तुमने शायद ही नोटिस किया होगा कि प्रभास इसमें कुछ एक्टिवेट कर रहा है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे भी लिखा हुआ है एक्टिवेटेड। और जहां तक मुझे लगता है या तो ये सुदर्शन चक्र है जो भगवान विष्णु का वेपन था, या फिर ये टाइम मशीन हो सकती है जिसके जरिए प्रभास भविष्य में आता है। इसलिए हमें टीजर के लास्ट में 2898 से 2024 में दिखाया गया है, मतलब 2024 में एक टाइम मशीन बनेगी, वो इन्हें 2898 में ले जाएगी। और इसके बाद हमें एक सीन में अश्वत्थामा और कल्कि का कॉलअप दिखा, मतलब जो उनका पंच वाला सीन था वो दिखा। अब वो उनकी लड़ाई होगी या फिर उनकी दोस्ती होगी ये तो हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगा। बाकी ये ग्लिम्प्स देखकर ऐसा लग रहा है कि अब बॉलीवुड काफी अच्छा कर रहा है और इस फिल्म में प्रभास का लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी अगर वीडियो अच्छी बनी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में भी जरूर बताना कि प्रभास का ये लुक आपको कैसा लगा।